नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2019 के लिए वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कैसे होंगे आपके विचार, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, कौन से होंगे शुभ दिन, कौन से होंगे अशुभ दिन, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं वो सभी 12 राशियों के सितंबर 2019 के राशिफल के संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। अभी यह जो राशिफल है वो आप वृश्चिक राशि के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए भी अनुभव में आ सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो बदलाव है उसके बारे में। तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य जो कि आपके दशम भाव में है वह 18 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। करीबन पिछले एक से डेढ़ महीने से आपने देखा होगा कि सूर्य के जो परिणाम है आपके लिए राशि के लिए वो बहुत ही शुभ फलदायी है और वही जो बात है वो आगे भी चलेगी। मतलब 18 तारीख के बाद भी जैसे सूर्य आपके लाभ भाव में आएगा तो जो भी आपका करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वहाँ पर का जो लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो एक्सपेक्टेड जिसे हम बोलते हैं, जिसके मतलब आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको उसका जो लाभ है वो मिलते जाएगा। खास करके जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये जो रवि का भ्रमण है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में रहेगा दिनांक 27 तारीख तक और 28 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो दशम भाव में इस महीने के काफ़ी जो समय है उसमें वो दशम भाव में ही भ्रमण करेगा। इसके दो तीन परिणाम आपको मिल सकते हैं। एक तो आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर आप जॉब छोड़ने के बारे में भी सोचते थे, मतलब जॉब छोड़ने के लिए या फिर जॉब में कुछ चेंज करने के बारे में। हालांकि आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको बहुत प्रेशराइज किया जाता है, बहुत काम लिया जाता है, या फिर वहाँ पर के जो सहकर्मी है वो आपको मदद नहीं कर रहे, तो और उसके लिए अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो यह बात बिल्कुल भी मन में नहीं लाना, क्योंकि 28 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपके 11वें भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसी अगर कोई बात इस वजह से अगर आप जॉब छोड़ना चाहो तो बिल्कुल भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह भी आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 11 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 30 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो महीने के जो बड़ा जो कालावधि है उसमें वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा, क्योंकि लाभेश भी आपका बुध है और बुध का जो भ्रमण होगा वो भी लाभ भाव में होगा, जो कि आपको इनकम सोर्स के बारे में बहुत ही अच्छा और लाभदायी होने वाला है। जो भी आपके इनकम सोर्स मतलब अटके हुए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी, हर तरह के लाभ आपको मिल जाएंगे, उसमें पैसे के लाभ हो या फिर किसी अन्य प्रकार के, लेकिन आपको लाभ काफ़ी अच्छे तरह से मिलेंगे और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह करीबन 11 अगस्त से मार्गी हो रहा है, वो आप ही के राशि में है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन एक महीने से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, वो काफ़ी मायने में नॉर्मल हो चुकी है और पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, करीबन हर मामले में जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, वो नॉर्मल होते हुए नज़र आई है। तो ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस वाली बात है, क्योंकि आने वाला समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। गुरु का संपूर्ण बल आपके राशि के लिए मिल रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह करीबन आपके दशम भाव में है और करीबन 11 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो इस शुक्र आपका द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है, तो दोनों के तरीके से अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के मामले में ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा हारमोनी देखी जाएगी। जो व्यक्ति मतलब विवाहित है उनके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आपकी जो मतलब आपके आप दोनों में जो रिलेशन, जो तालमेल है, जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके लिए भी खर्चे करोगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ मेजर डिसीजन हो सकते हैं इस महीने में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि और केतु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। शनि जो कि वक्री है पिछले करीबन 3 से 4 महीने में, तो आपने देखा होगा कि घर के जो लोग होंगे
उनके साथ आपके ज़्यादा नहीं बन रहे, उनके साथ छोटे मोटे बातों पर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये शनि मार्गी हो जाएगा 18 तारीख के बाद, ये शनि मार्गी हो जाएगा तो घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ आपके ज़्यादा नहीं बन रहे, छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो रही है। तो जैसे ही ये शनि वक्री हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा 18 तारीख के बाद, तो ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगी। हालांकि इसके जो परिणाम होंगे वो 22-23 तारीख के बाद आपको दिखाई देंगे, लेकिन शनि का जो भ्रमण है वो भी धीरे धीरे आपके लिए शुभ परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों, ये था ग्रहों के परिणाम और ग्रहों के जो ग्रह योग है या ग्रहों के जो भ्रमण है उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, क्योंकि जो ग्रह योग होते हैं वो भी आपके मानसिकता पर असर करते हैं, और वो किस क्षेत्र में आपके राशि के लिए असर करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जो महीना है, मतलब सितंबर 2019, इस महीने के 2 तारीख को गणेश जी का आगमन हो रहा है। तो अपना चैनल ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे मैंने कहा कि यह जो ग्रह योग होते हैं उसका जो परिणाम होता है वह करीबन 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन उसमें हमारी जो मानसिकता है वो काफ़ी, उसमें काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे एक तारीख को बुध और हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वन उसका नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग बिजनेस से डील करते हैं, मतलब ऐसे बिजनेस जहां पर थोड़े रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसमें आपके, मतलब आपके जो भाग्य है वो अच्छी तरह से आपका साथ देगा, आपका जो लक फैक्टर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से साथ देगा। उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड पैसे, जिसे हम बोलते हैं कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, कभी कभी हम काम करते जाते हैं लेकिन इनकम के बारे में सोचते नहीं या फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसी प्रकार जो अनएक्सपेक्टेड जो मनी है वो भी आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। जो व्यक्ति विवाहित है उनके जो ससुराल के लोग होंगे, इन लॉज होंगे, उनसे भी उनको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है। उसी प्रकार शुक्र और शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में है, शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ दोनों का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है, तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आपका जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, या फिर वैवाहिक जोड़ीदार के लिए आप कुछ ना कुछ तो मतलब इन दिनों के दरमियान इसका जो प्रवाह होगा वो करीबन 30 अगस्त से लेकर 2-3 तारीख तक का होगा, तो उस दरमियान आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आपकी जो हारमोनी है काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और 2 तारीख को रवि और मंगल की युति होने जा रही है द्वितीय भाव में। तो यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की काफ़ी अच्छी तरह से अप्रिसिएशन हो जाएगी, मतलब आपके काम करने का तरीका, आपके आइडियाज़, जिसके बारे में अप्रिसिएशन, आपको अवार्ड वगैरह भी मिलने के चांसेस हैं। और जो लोग, मतलब जो लोग जॉबलेस है और या फिर जॉब छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा, क्योंकि आपको कुछ अच्छे नए जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं। यह जो योग है इसका जो कालावधि होगा 1 तारीख से लेकर करीबन 4 तारीख तक का होगा। इसके बाद बुध और मंगल की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में, और इसका जो कालावधि होगा 2 तारीख से लेकर करीबन 4-5 तारीख तक। इस कालावधि में 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात तो आपके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन का अगर काम है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सजग रहना, और सजग रह के जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के सिग्नेचर करने जो भी बात है तो अच्छी तरह से इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि ये जो समय है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और बुध की युति होने जा रही है 4 तारीख को, और इसका जो प्रभाव होगा, इस युति का जो प्रभाव होगा वो 3 तारीख से लेकर करीबन 6 तारीख तक का होगा, 6-7 तारीख तक का होगा। और यह जो युति है आपके दशम भाव में होने जा रही है, तो यह भी जो बात है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही शुभ फलदायी होने वाली है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी, वहाँ पर आप कुछ नए आइडियाज़ वगैरह लेकर आओगे और वो आइडियाज़ जो है वो अप्रिशिएट भी किए जाएंगे, तो आपका जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। फेमस वगैरह होने के भी चांसेस आपको है, मतलब आपकी जो इमेज होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो शनि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग इसका होने जा रहा है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके के लाभ मिलने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी जो खिंचाव आया था वो इन दिनों में नॉर्मल होने की संभावना है। यह जो युति है इसका जो प्रभाव होगा 4 तारीख से लेकर 6-7 तारीख तक का होगा, तो
इस दरमियान भी आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे सुधर जाएंगे आपके घर वालों के साथ। उसी प्रकार रवि और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि आपके दशम भाव में है और शनि आपके द्वितीय भाव में है, दोनों का त्रिकोण योग यानी कि शुभ योग होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का होगा, 7-8 तारीख तक का होगा। इसमें भी जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपको आपके काम की सराहना हो जाएगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब पूरे फोकस होकर काम करोगे। तो ये जो संपूर्ण महीना आपने देखा होगा कि आपका जो भी करियर है उससे रिलेट करने वाला ज़्यादा है, वहाँ पर आपके अप्रिसिएशन होगा, आप फेमस वगैरह हो जाओगे या फिर आपको कुछ नया ऐसा काम मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था या फिर काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। 7 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है और इस यह जो योग है उसका जो परिणाम होगा वो करीबन 6 तारीख से लेकर 8-9 तारीख तक का होगा। इस दरमियान थोड़ा बहुत अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस दरमियान थोड़े से आपको फंसने के चांसेस है, खास करके आपके जो पैसे वगैरह होंगे उसमें लॉसेस वगैरह आने के चांसेस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ करते हो तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, अगर लेते हो तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि बुद्धि पर आपका कंट्रोल थोड़ा कम होगा, सोच विचार थोड़े कम होंगे, तो थोड़ा सा फंस जाना या फिर चीटिंग वगैरह बोलते हैं वो आपके साथ होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। 9 तारीख को इसका यह जो युति है, यह जो त्रिकोण है, इसका जो कालावधि होगा 8 तारीख से लेकर करीबन 11-12 तारीख तक का होगा। यह जो कालावधि है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। 2-3 बातें होगी। पहली तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, मांगे हैं, वो भी आप पूरी करोगे और कॉन्फिडेंस लेवल आप में बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले कई मतलब अभी जो भी मैंने दिन गिनवाए उसमें कई अच्छी तरह से योग आपके लिए हो रहे हैं दशम भाव में, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो हार्ड वर्किंग है, तो वही बात इन दिनों में देखी जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी हाई देखा जाएगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों पर अनबन हो सकती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, आपके संदर्भ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जब कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, हमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है, तो हमारे मूड में या फिर हमारी जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यह जो बात मैंने अभी कही उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। यह जो ग्रह योग है इसका जो परिणाम होगा करीबन 9 तारीख से लेकर 12-13 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में है उसके साथ आपके आप ही के राशि में स्थित गुरु का केंद्र योग होने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इन यह जो दिन है मतलब मंगल गुरु का ये जो केंद्र है उसका जो प्रभाव होगा 11 तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक का होगा। तो इसके दरमियान किसी भी प्रकार के मेजर रिस्क नहीं लेना, अगर लेते हो तो फंसने के थोड़े चांसेस नज़र आते हैं। तो इसके दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में है उसके साथ शुक्र की युति होने जा रही है। यह जो ग्रह योग है वैसे देखा जाए आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इजी मनी इस योग के दरमियान आपको मिल सकते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड और इजी मनी। तो इसका जो कालावधि है वो करीबन 12 तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में है उसके साथ नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है और इसका जो कालावधि होगा करीबन 13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक का होगा। इस कालावधि के दरमियान आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि आपके संदर्भ में गुप्त शत्रु की, जिसे हम बोलते हैं गुप्त शत्रु, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ध्यान देना, सजग रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है जब भी आपको सक्सेस मिलता है तो गुप्त शत्रु भी बढ़ जाते हैं। तो ये वही बात है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके राशि में है उसके साथ आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। इस दरमियान भी छोटी मोटी, पहली तो बात इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, और
पैसे किस तरह से खर्च किए चाहे स्पेंडिंग का के मामले में थोड़ा बहुत सजग रहना आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी लेकर छोटी मोटी बातों पर तकरार वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का भी केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनके सेहत के लेकर छोटी मोटी बातें हो सकती है। इसका जो कालावधि है करीबन 24 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शुक्र और गुरु का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपकी के राशि में स्थित गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। तो इस दरमियान आपके जो वैवाहिक साथी होंगे उनसे आपकी जो हारमोनी है, उनका आपका जो मेल जोल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था ग्रह योगों का परिणाम आपके राशि के लिए, मतलब वृश्चिक राशि के लिए। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा भी आती है और ये जो दो दिन हैं वो करीबन हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दो दिनों में चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसका जो परिणाम होता है वो हर इंसान के जो उनकी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती है, जिसकी वजह से जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो भी बातें हैं वो इस मतलब इन दो दिनों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भावनाएं ज़्यादा तीव्रतम होती है। तो या इसीलिए प्रॉमिसेस करना, कमिटमेंट करना या फिर विवादों में जाना इन दो दिनों में टाल देना चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो पूर्णिमा है वो किस दिन है। पूर्णिमा 13 तारीख को 12:37 से लेकर 14 तारीख के प्रातः 2:38 तक का जो समय है उसमें पूर्णिमा होगी। उसी प्रकार जो अमावस है वो 28 तारीख के प्रातः 3:46 से लेकर 11:56 तक का जो समय है वो अमावस का होगा। तो पूर्णिमा और अमावस इस दो दिनों में, ये जो मैंने अभी दिन आपको गिनवाए वो अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, और इन दोनों दिनों में किसी भी प्रकार के मेजर डिसीजन नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, प्रॉमिसेस या कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हर एक महीने में ऐसे भी कई दिन आते हैं जिन दिनों में हमारा मूड नहीं लगता, मतलब छोटी मोटी बातें होती है वो हमसे नहीं होती, छोटी मोटी बातें हमसे न होने के कारण थोड़ा बहुत हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो चला जाता है, हमारा मूड नहीं लगता, जिसे हम अशुभ दिन कहते हैं। तो वो अशुभ दिन सितंबर 2019 के लिए आपके राशि के लिए होंगे 3, 4, 17, 18, 22 और 23। 3, 4, 17, 18, 22 और 23 ये जो तारीख है वो तारीख आपके राशि के लिए, मतलब वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2019 में अशुभ दिन साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का सितंबर 2019 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।